हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू के बारे में। एपोमिक्सिस प्रकार जो अपस्थानिक भ्रूणता कहलाती है में भ्रूण प्रत्यक्ष रूप से विकसित होता है। तो देखिए, पहले तो समझिए कि एपोमिक्सिस किसे कहते हैं। एपो का मतलब होता है यहाँ पर, ए का मतलब होता है एबसेंट, मिक्सिस यानी मिक्स होना, यानी इसको हम दूसरा लैंग्वेज में हम हिंदी में कह देते हैं असंग जनन कह देते हैं, यानी बिना निषेचन के ही, बिना निषेचन के ही क्या हो जाए, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं असंग जनन कहलाता है या एपोमिक्सिस कहलाता है। ये दो प्रकार का इसमें हो सकता है, ये तो एन अवस्था में हो या टू एन अवस्था में हो। यानी क्या है, एक अगुणित कोशिका होती है और अगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है, एक द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है। तो द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो उसको हम कहेंगे अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक है, तो यानी इस इन चारों ऑप्शन के अंदर हमें द्विगुणित कोशिका ढूंढनी है। तो पहले आ जाते हैं बीजांडकाय व अध्यावरण की कोशिका। ठीक है, बीजांडकाय और अध्यावरण की कोशिका टू एन अवस्था में होती है, यानी द्विगुणित होती है, डिप्लोइड होती है। नेक्स्ट युग्मनज से, हाँ युग्मनज टू वन होता है, द्विगुणित होता है, लेकिन ये नॉर्मल जो निषेचन है उसके द्वारा बनता है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया है कि बिना निषेचन के ही असंग जनन, यानी बिना निषेचन के। और ना देखो, संग विवाह के लिए हम क्या काम लेते हैं, संग वर्ड, जैसे मनोज संग राधा ऐसा हम कहते हैं। तो संग यानी क्या हो गया, विवाह के लिए काम लेते हैं, निषेचन, निषेचन बगैर ही इसमें क्या होता है, भ्रूण बन जाता है। नेक्स्ट है सहायक कोशिका प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका को हम कहते हैं प्रतिवेशांत कोशिका, और ये होती है एन अवस्था में, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगी। नेक्स्ट है बिंजाण में सहायक भ्रूण कोश की स्थिति, यानी कोई सहायक भ्रूण कोश होता ही नहीं है, तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन, गन्ने में ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती। देखो, ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं, जैसे हमारे पास ये पौधा है, इसका ये तना था, ठीक है, इसको हमने काट कर यहाँ पर एक दूसरे पौधे का तना इसके ऊपर लगा दिया, यहाँ पर दूसरे मतलब उसी जाति के दूसरे अच्छे किस्म का, जिसको हम कहते हैं कलम करना, तो वो नहीं की जा सकती इसमें। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक बीजपत्री जो होता है ना, एक बीजपत्री पादप उनमें आता है, और इनमें सेवन पुल होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम है, सेवन पुल है, ये बिखरे हुए पाए जाते हैं भ्रूण ऊतक के अंदर। ठीक है, ये आपने पिछले साल पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, जो भ्रूण ऊतक होता है, ग्राउंड टिश्यू जो होता है, उसमें सेवन बंडल है, ये बिखरे हुए मिलते हैं, इस वजह से गन्ने में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती। अगला देखते हैं अनिषेचित अंडे से बीज का विकास होना। अब यानी क्या हो गया, इसमें वही हो गया ना, अनिषेचित अंडे का मतलब हो गया बिना निषेचन के ही, बिना निषेचन के ही क्या बने, बीज बने। देखो, एक चीज याद रखना है कि बिना निषेचन के अगर फल बनता है, बिना निषेचन के ही किसका निर्माण हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं अनिषेक फलन। ठीक है, अगर बिना जो निषेचन के ही बीज का निर्माण होता है तो उसको हम कह देते हैं एपोगेमी। ठीक है, ये नाम इस तरह बन गया, ए का मतलब यहाँ पर, एपो का मतलब है ना यहाँ पर, उसका मतलब हो गया एब्सेंट यानी अनुपस्थित, और जो गेमी वर्ड है, गेमी वर्ड इंग्लिश का इस तरह लिखेंगे हम गेमी, और गेमी का मतलब होता है जुड़ना, संयोग जुड़ना या संलयन, हिंदी में कह देते हैं इसको संलयन, जुड़ना। तो बगैर संलयन के, बगैर जो है निषेचन के, यानी अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं, यानी अंडे, और यहाँ पर हम बात करते हैं अंड कोशिका और नर युग्मक के जुड़े बगैर ही बीज का निर्माण हो जाता है, तो वो कहलाएगा एपोगेमी। ठीक है, और अगर बिना इस तरह के अर्धसूत्री विभाजन के क्या होता है, स्पोर बन रहे हैं, बीजाणु बन रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एपोस्पोरी कह देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिट्रस में एपोमिक्टिक भ्रूणता। देखो, एपोमिक्सिस है, उसी का ये वर्ड बन गया एपोमिक्टिक, भ्रूण का निर्माण होता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो सिट्रस फूल होता है, सिट्रस क्या है, ये सिट्रस यानी नींबू का फूल होता है, नींबू वंश है ये। ठीक है, नींबू का वंश यानी नींबू है, संतरा है, मौसमी है, नारंगी है, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये एपोमिक्टिक भ्रूणता होती है, तो वो टू वन अवस्था के अंदर इसमें भ्रूण कोशिका होनी चाहिए। अब टू वन इसके अंदर ये होता है हमारे पास बीजांड के मातृक बीजाणुद्भिद उत्तक से, जो बीजाणुद्भिद होता है ये टू वन अवस्था में होता है, और युग्मकोद्भिद होता है ये एन अवस्था में होता है। अब देखो बाकी गलत क्यों होंगे, तो प्रतिमुखी कोशिका जो होती है ना, ये एन अवस्था में, ये भी गलत है। सहायक कोशिका है, ये भी एन अवस्था में होती है, ये भी गलत है। द्विगुणित अंडा, तो अंडा जो होते हैं, अंड कोशिका है, ये कभी द्विगुणित कभी नहीं होती, ये अगुणित ही रहती है कम्प्लीट। अगर निषेचित, निषेचन हो गया तो वो द्विगुणित हो चुका होता है, उसको हम कहते हैं निषेचित अंडा या युग्मनज कहलाता है कम्प्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। तो देखिए, द्विखंडन का मतलब होता है कि कोई भी सजीव हमारे पास है, एक कोशिकीय जीव है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये दो अलग अलग कोशिकाओं के अंदर विभक्त हो जाता है, ये बट जाएगा इस तरह, दो कोशिकाओं के अंदर बट जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, द्विखंडन कह देते हैं। ये अलग अलग प्रकार से हो सकता है, जैसे अमीबा के अंदर होता है, अमीबा में क्या होता है, वो किसी भी तल से बट सकता है, ऐसे कैसे भी तल से बट सकता है, यानी हम कह देते हैं उनमें अनियमित द्विखंडन होता है या सरल द्विखंडन होता है। कुछ में क्या होता है, कुछ में इस तरह होता है कि जो कोशिकाएं हैं वो ऐसे विभाजित होती है, ऐसे ऐसे विभाजन होकर फिर इसमें दो कोशिकाएं बन जाएगी ऐसे। इसे कुछ में क्या होता है, जो कोशिकाएं हैं वो ऐसे विभाजित होती है लंबवत अवस्था में, और फिर इसे दो कोशिकाएं ऐसे बन जाती है। तो देखें, इसमें तो हो रहा है अनुप्रस्थ और ये हो रहा है लंबवत। ठीक है, तो लंबवत होता है, ये होता है हमारे पास
युगलिना है, पैरामीशियम है, उनके अंदर इस तरह का हमें, सॉरी युगलिना है ठीक है, उसके अंदर हमेशा देखने को मिलता है। तो अनुप्रस्थ किसमें देखने को मिलेगा? तो अनुप्रस्थ हमें एक तो देखने को मिलता है पैरामीशियम में, अनुप्रस्थ देखने को मिलेगा किसमें? पैरामीशियम में। तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में ही अनुप्रस्थ का ऑप्शन उदाहरण में ही नहीं है पैरामीशियम। तो देखिए युगलिना में हम यहाँ पर देखते हैं, तो युगलिना में कैसा होता है, हमने पढ़ लिया लंबवत होता है, तो ये गलत हो गया। अमीमा में अनियमित आकार का होता है, ये गलत हो गया। अब हमारे पास बचा कौन? हाइड्रा और यकृत फ्लूक, लीवर फ्लूक जिसको कहते हैं, फेशियोला या लीवर फ्लूक नाम सुना होगा, ये प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर आता है। हाइड्रा के अंदर भी जो अनुप्रस्थ यानी द्विखंडन नहीं होगा, इसमें मुकुलन होता है हाइड्रा के अंदर ठीक है। उसके बाद में आता है यकृत फलूक, लीवर फलूक है उसका, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर दो चीजें मिल गई कि अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है, एक तो यकृत फलूक यानी लीवर फलूक में हो गया और दूसरा पैरामीशियम के अंदर हो गया। कि अगला क्वेश्चन है कि अगेव में, अगेव एक पौधा है उसमें कायिक जनन होता है। तो आपने एनसीईआरटी की बुक में देखा होगा इस तरह एक डायग्राम बना हुआ है, ऐसे ऐसे डायग्राम बना हुआ है। ये ऊपर का भाग होता है ना, उसको हम कहते हैं पत्तर पर कलिका, पत्तर पर कलिका या पत्र कलिका भी लिख सकते हो आप इसको ठीक है। और इसका इंग्लिश में नाम होता है बुलबिल, इंग्लिश में नाम होता है बुलबिल। तो इनमें कायिक जनन किसके द्वारा होता है? बुलबिल के द्वारा। राइजोम का किसमें होता है? राइजोम होता है अदरक में ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रकंद, अदरक में होता है ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टोलोन, स्टोलोन जो होता है और अंतःभूज तारिका है, ये एक तरह के जो दूब घास होती है, पुदीना है, ये इनमें देखने को मिलते हैं। तो अपना आंसर इसमें यहाँ पर क्या हो गया? बुलबिल्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन से जंतु में लंबवत द्विखंडन होता है? तो देखिए अभी मैं बता चुका हूँ आपको, जो युगलिना होता है ठीक है, उसमें ऐसे बढ़ता है ऊपर से नीचे, तो युगलिना के अंदर होता है लंबवत। अब इसे कैसे याद करें? तो युगलिना की संरचना आपने इस तरह पढ़ी होगी, इस तरह होती है ठीक है, ऐसे निकलता है, उसमें धागेनुमा संरचना ऐसे निकलती है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर ऐसे बढ़ता है, कंप्लीट है। प्लेन एरिया में कैसा होता है, सॉरी प्लाज्मोडियम में होता है बहुखंडन। प्लाज्मोडियम में क्या हो जाएगा? बहुविखंडन या बहुखंडन आप कह सकते हो उसको, यानी बहुत सारे तल में खंडन होता है। पैरामीशियम में जो होता है ना, ये पैरामीशियम में क्या होता है? पैरामीशियम के अंदर होता है अनुप्रस्थ का, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें होता है अनुप्रस्थ वाला, कंप्लीट है। और प्लेन एरिया लार्वा होता है, ये प्लेन एरिया नहीं है, प्लेन एरिया है यहाँ पर, नया है, प्लेन एरिया एक लार्वा होता है और इसमें होता है पुनरुद्भवन काफी मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने पादपों में सर्वप्रथम लैंगिक जनन की व्याख्या की? लैंगिक जनन का मतलब हो गया इसमें नर भी होंगे और मादा भी होंगे, और नर और मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर युग्मनस बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन। युग्मक और मादा युग्मक जुड़कर युग्मनस बनाते हैं, तो ये निषेचन कहलाता है। निषेचन की खोज करने वाले कौन है? स्टार्स बर्गर है। निषेचन की खोज करने वाले स्टार्स बर्गर है, तो इसका आंसर हो गया स्टार्स बर्गर। नवास्टिन है, उसने क्या है दोहरा निषेचन जो होता है उसकी खोज की थी, ये हमने फोर्थ चैप्टर में, सॉरी थर्ड चैप्टर, थर्ड भी नहीं था, सेकेंड चैप्टर में हमने स्टडी कर लिया था कि नवाश्ची ने दोहरा निषेचन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? याद रखना है यहाँ पर गलत कथन चुनना है। तो पहले कथन है कि नीला कुरंजी 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है, सही है ये। अगला क्वेश्चन है, आम और साइलेंस पादप ट्राइसियस प्रकार के होते हैं। देखो ये क्या है ट्राइसियस, एक तो होता है मोनोइसियस एक लिंगाश्रय, और डाइसियस द्विलिंगाश्रय, हमने पादप पढ़ा होगा, यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं। तो ट्राइसियस कोई होना होता ही नहीं है, ट्राइसियस का मतलब कुछ होता ही नहीं कि त्रिलिंगी कोई हो सकते हैं क्या? नर और मादा द्विलिंगी हो सकते हैं, या अकेला नर हो सकता है या मादा हो सकता है, एकलिंगी हो सकते हैं, कोई त्रिलिंगी यानी ट्राई वाला कुछ कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है अर्थ के ऊपर। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर है, ये गलत हो गया। इसका मतलब हमारा सही आंसर कौन सा, ऑप्शन कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। मार्कंडेय पादप एक लिंगाश्रय होता है, सही है। कुकुम्बर यानी ककड़ी जो होता है ये एक लिंगी पुष्प होते हैं इसके अंदर, ये भी सही है, कंप्लीट है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सेकंड। ओके, तो अगले में कॉम हम जो पढ़ रहे हैं, कॉम क्या होता है? तो देखो कॉम होता है ये जो अरबी होता है, अरबी का जो हम खाते हैं अरबी, ये भूमिगत तना होता है और उसको ही हम कॉम कहते हैं। तो अरबी का दूसरा नाम होता है कोलोकेशिया, तो कोलोकेशिया में होता है। अदरक में तो होता है राइजोम, राइजोम अदरक के अंदर होता है ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, या इसको हम कह देते हैं प्रकंद ठीक है। नेक्स्ट हम प्याज में बात करते हैं, तो प्याज में होता है बल्ब, ऐसे बल्ब, या हम इसको कहते हैं शल्ककंद, शल्ककंद कह देते हैं ठीक है। आलू के अंदर जो होता है वो होता है ट्यूबर ठीक है, जिसको हम कह देते हैं कंद, कंद कह देते हैं। तो कॉम किस में होता है? कोलोकेशिया में। आप इसको ऐसे भी आ सकते हैं, कैसे कॉम होता है कैसे कोलोकेशिया हो गया। अगला है, कायिक जनन और एपोमिक्सिस के बीच क्या समानता है? तो देखिए एपोमिक्सिया यानी बगैर निषेचन के ही दोनों अवस्था में क्या होता है?
जो एकल जनक होता है, अकेला जनक होता है, उसी से संतति उत्पन्न हो जाती है। अब अगर अकेले जनक से संतति उत्पन्न होगी तो वो संतति क्या होती है, वो अपने जनक है, अपने माता पिता है, उनके हूबहू समान होते हैं, यानी दोनों जनकों के समान संतति उत्पन्न करते हैं, दोनों जनकों के समान संतति उत्पन्न करते हैं, यानी एपोमिक्सिस में जनक के समान उत्पन्न संतति होगी और कायिक प्रजनन में भी होगी। अब देखो इसको कैसे समझ सकते हैं, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली मूवी के अंदर जो बाहुबली था यानी जो मेल था और जो उसकी वाइफ थी वो स्त्री है, ठीक है। तो अब इन दोनों से ही बाहुबली का जो लड़का है वो पैदा हुआ है, तो ये है ना इनके बाहुबली के अंदर इसके लक्षण भी आएंगे और इसके लक्षण भी आएंगे, माता और पिता दोनों के लक्षण आएंगे, तो वो हूबहू अपने पिता के कॉपी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लैंगिक जनन होता है तो अगर केवल अलैंगिक जनन होता, मान लेते हैं कि इस बाहुबली में अलैंगिक जनन होता, ठीक है, तो इसकी जो तो संतति उत्पन्न होती तो अकेले जनन से हो जाती, तब इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें, जो हीरोइन यानी मादा है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, स्त्री है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट संतति उत्पन्न इसी से हो जाती। और अब ये जो संतति उत्पन्न होती ये अपने जनक के हूबहू समान होती, तो अगर हूबहू समान होती है तो उनको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, यानी जो बाहुबली का लड़का था वो बाहुबली का क्लोन था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है मानव में, क्योंकि मानव में लैंगिक जनन होता है। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवक में लैंगिक प्रजनन होता है, तो देखिए कवक में बनते हैं बीजाणु जिनको हम कहते हैं स्पोर, स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के बनते हैं, एक कहलाते हैं ऊ स्पोर, दूसरा होता है एस्को स्पोर और तीसरा होता है बेशडियो स्पोर। ये तीनों के तीनों टाइप के आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक तो था फाइकोमाइसिटीज, नाम लिख देता हूं यहां पर, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज में तो बनता है ऊ स्पोर। उसके बाद में दूसरा था हमारे पास एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज उसमें बनता है एस्को स्पोर, और तीसरा था बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और वो होता है बेसिडियो स्पोर। उसके बाद में एक और था ड्यूटेरोमाइसिटीज जिसको हम कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टी। कंप्लीट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलू कंद का टुकड़ा, आलू कंद देखो अभी बताया था मैंने, आलू में कंद होता है, यहाँ पर ऊपर आए देखो कॉर्नर में, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें ये क्या लिखा हुआ है, आलू में क्या होता है, कंद होता है, तो आलू के कंद का टुकड़ा नया पादप बनाएगा, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आलू में आंख, आपने नाम सुना होगा आंख होती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। चले अगला क्वेश्चन, लेयरिंग किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन में उपयोगी है, जासमीन जो पादप है उसके अंदर होता है, लेयरिंग होता है क्या है, देखिए हमारे पास कोई पौधा इस तरह उगा हुआ है, ठीक है, इसके पौधे की एक शाखा को हमने जमीन में दबा दिया ऐसे ऐसे, तो फिर जो जमीन में दबाया ना इससे यहाँ पर जड़ें निकलना शुरू हो जाएगी, फिर इसको सेपरेट कर देंगे, यहाँ से इसको अलग कर देते हैं, ऐसे हमें नया पादप मिल जाता है, वो कहलाता है लेयरिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से द्विलिंगी या उभयलिंगी जंतुओं का उदाहरण नहीं है, यानी ऐसे जंतु, यानी एक ही जंतु है ये हमारे पास, ये एक ही जंतु है, एक ही जंतु है हमारे पास, इसी में नर है और इसी के अंदर मादा है, एक ही जंतु में दोना होना जरूरी है, तो केंचुए में भी ऐसा होता है, नर और मादा एक में ही होता है। फिताकर्मी, फिताकर्मी हम कहते हैं टीन या शोलियम, नाम सुना होगा, प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर आता है, ये भी उभयलिंगी या द्विलिंगी होता है। लीच जो होता है जिसको हम कह देते हैं जोंक, याद रखना जुए नहीं है, जुए अलग होती है, जोंक अलग होती है, तो जोंक है ये भी क्या होता है, वही होती है। स्पंज जो होते हैं, स्पंज ये भी क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, तो ये उभयलिंगी है, ये उभयलिंगी है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया, कॉकरोच। कॉकरोच में क्या होता है, नर कॉकरोच और माता कॉकरोच अलग अलग प्रकार, अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आम तथा अमरूद परिवर्धित होते हैं, यानी अमराद आम, आम और अमरूद है उसको कैसे उगाया जाता है, वृद्धि की जाती है ग्राफ्टिंग करके की जाती है, यानी उसपे क्या करते हैं, कटिंग लगाकर उनकी ग्राफ्टिंग कर लेते हैं, उनमें काम आती है। अगला, प्रथम सफल जंतु क्लोन कौन सा था, जंतु का क्लोन था वो डोली भेड़ है, इनका नाम तो डायरेक्ट याद करना है, उसका नाम था डोली भेड़। कंप्लीट है। नेक्स्ट, अगुणित कोशिकाओं में संलयन की प्रक्रिया कहलाती है, संलयन का मतलब होता है जुड़ना, नर युग्मक है और मादा युग्मक आपस में जुड़ जाते हैं, तो अगुणित कोशिका का मतलब हो गया है नर युग्मक और मादा युग्मक, तो वो कहलाएगा युग्मक का संलयन होना, युग्मक संलयन। ओके अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न संतति बिल्कुल अपने जनकों के समान नहीं होती, देखिए यहाँ पर इतना जरूरी है, समान नहीं होती, तो समान लैंगिक जनन में नहीं होती, ठीक है, लैंगिक जनन में उनमें असमानता आ जाती है, मैंने अभी बताया था बाहुबली का एग्जाम्पल लेकर, बाहुबली उत्पन्न हुआ है लैंगिक जनन से, तो वो अपने जनक के किसी के समान ना हो सक नहीं हो सकता, ना अपने माता के समान होगा ना पिता के समान होगा। कंप्लीट है, बाहुबली का लड़का महेंद्र बाहुबली। ओके अगला क्वेश्चन, सिट्रस में अपस्थानिक गुणता होती है, ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपको पता है अपस्थानिक गुणता यानी 2-1 अवस्था में है, इनमें अंड नहीं होता, भ्रूण के कारण भी नहीं होता, बीजांड का 2-1 अवस्था में होता है, अध्यावरण 2-1 अवस्था में, भ्रूण तो वैसे ध्यान रखना है भ्रूण होता है ना ये 2-1 अवस्था में ही होता है, लेकिन इससे ये अपस्थानिक गुणता नहीं उत्पन्न होती, ये होती है अध्यावरण से और बीजांड काय से, लेकिन जो सिट्रस में होता है वो बीजांड काय के कारण होता है। ओके अगला देख लेते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के बिना बीजाणुद्भिद की कायिक कोशिका से सीधे ही युग्मकोद्भिद का निर्माण होना कहलाता है, तो देखो अर्धसूत्री विभाजन होकर है ना, बीजाणुद्भिद क्या करता है, ये बीजाणु बनाता है,
बीजाणु से फिर क्या बन जाते हैं, युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद है ना, फिर ये बनाता है युग्मक, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक बनाते हैं। फिर युग्मक से वापस क्या बन जाता है, बीजाणुद्भिद बन जाता है, ये बन जाता है वापस। तो ऐसे चलता रहता है। तो इसमें अछूत्री विभाजन होना जरूरी है। अगर अछूत्री विभाजन नहीं हो रहा है तो हम बोल देंगे एपो यानी एबसेंट है, अनुपस्थित है, और बीजाणु को कहते हैं स्पोर यानी स्पोरी। तो नाम हो गया एपो स्पोरी, ये हमारे इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, विषम युग्मजता के बावजूद, विषम युग्मजता मतलब अलग अलग प्रकार के युग्मक होने के बावजूद, पर परागिल पौधे यानी पर परागण होता है, बीजों से व्युत्पन्न संतति पूर्णतया एक समान थी, यानी एक ही टाइप की थी, उसका कारण क्या हो सकता है। तो देखिए उसमें कारण यह है कि उनमें निषेचन नहीं हुआ है, ठीक है, बिना निषेचन के ही क्या बन जाता है, उसमें बीज बन जाता है। तो बिना निषेचन के बीज बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिना निषेचन के फल बनता तो अनिषेकुलन हो जाता, ये गलत है। तो इसमें हो जाएगा एपोमिक्सिस, इसमें सूक्ष्म प्रवर्धन नहीं होगा, वृहत परिवर्धन नहीं होता। वृहत परिवर्धन तो कोई कोई वर्ड ही नहीं होता, सही वर्ड सूक्ष्म परिवर्धन होता है। और सूक्ष्म परिवर्धन अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। देखिए उत्तक संवर्धन विधि द्वारा अधिक संख्या में पादप पादपक प्राप्त करने की तकनीक, पादपक यानी पादप के संततियां हैं उनको कहेंगे, वो प्राप्त करने की तकनीक हो जाएगी सूक्ष्म परिवर्धन। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कोई पौधा है, यहाँ लगा बना देता हूँ, ये पौधा है, ठीक है, इस पौधे की हमने क्या कर दी, पत्तियां ले ली, जैसे पत्तियां ले ली और पत्तियों से एक कोशिका निकाल ली। अब इस कोशिका को हम क्या करते हैं, किसी भी हार्मोन के अंदर इसे रखते हैं, इसे हार्मोन वाले माध्यम में इस कोशिका को रखते हैं, फिर इस कोशिका से नया पौधा तैयार हो जाता है। ऐसे मान लो 1000 कोशिकाएं निकाली तो 1000 पौधे तैयार हो जाएंगे, ये कहलाता है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं इसको। ओके अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग्म, युग्म मतलब जोड़े में पादप पत्ती भाग द्वारा कायिक परिवर्धन से परिवर्धित होता है, यानी पत्ती के द्वारा कायिक परिवर्धन किसमें होता है ये पूछा गया है। तो पत्तियों के द्वारा आपको पता है पर्णकलिकाएं बनती है ब्रायोफिलम में, ब्रायोफिलम में। तो इसका सही आंसर हो गया एक नंबर। अगला क्वेश्चन, जब दो जनक यानी नर और मादा विपरीत लिंग के प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं, नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है, तो जब भी जनन दो जनक की आवश्यकता होती है तो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। अगर एक ही जनक से होता है तब हम क्या बोल देते हैं, उसका नाम हो जाता है अलैंगिक जनन, उसका नाम हो जाता। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलैंगिक जनन सामान्य रूप से होता है एक कोशिकीय जीवों में, सही है होता है, सरल संगठन वाले पादपों में होता है, जंत और जंतुओं में भी होता है, सरल संगठन वाला। अब इसका मतलब देखो क्या है, एक कोशिकीय जीव में तो अलैंगिक जनन होगा ही, जैसे अमीबा है, अमीबा दो भागों में बट जाता है, ये अलैंगिक जनन है। इसी तरह सरल संगठन वाले पादप है, जैसे मान लेते हैं आपने घर पे पौधे उगाते हैं तो उसका इतना भाग काट कर जमीन में लगा दिया तो उससे नया पौधा उग जाता है, फूलों वाला पौधा होता है पारसूला का, बिच्छू बूटी कहते हैं, वो ऐसे उगाया जाता है। तो वो उदाहरण किसका हो गया, अलैंगिक जनन का। स्पंज है उनमें अलैंगिक जनन होता है, अमीबा भी जंतुओं के अंदर आता है उसमें अलैंगिक जनन होता है। तो ये वाला ऑप्शन इसका हमारा सही हो गया, ठीक है। पर बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, एकल कोशिकीय जीवों में ये सही है, सरल संगठन वाले केवल, यहाँ केवल की जगह पर पादप भी आना जरूरी था, ये इसके अंदर ऑप्शन गलत दे दिया, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगला, केवल यहाँ पर भी गलत है, ये दोनों केवल एक कोशिकियों में नहीं होता, यहाँ पर है ना सरल संगठन वाले पादप और जंतु ये बहुकोशिकीय हो जाते हैं, तो ये दोनों गलत है। अगला देखते हैं, कवक और शैवाल की प्रमुख अलैंगिक प्रजनिक संरचनाएं कौन सी है। तो देखिए कवक में बीजाणु बनता है जिसका नाम होता है कोनिडिया, और शैवाल में जो बीजाणु बनता है उसका नाम होता है चल बीजाणु। तो इसका ऑप्शन हो गया कोनिडिया तथा चल बीजाणु। जो एचल बीजाणु होते हैं उनको कहते हैं एप्लेनोस्पोर, एचल बीजाणु को। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलियम में कोनिडिया का उत्पादन होता है। तो देखिए पेनिसिलियम इस तरह आपने जो डिक्स आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम को देखना, उस पर इस तरह बीजाणु बनते हुए दिखाए गए हैं ऐसे, ठीक है, बीजाणु बनते हुए दिखाए गए हैं ऐसे। तो बीजाणु दो तरीके से बन सकते हैं, एक तो ऐसे बाहर बन सकते हैं, या एक ऐसे फलन काय होता है, फ्रूटिंग बॉडी होता है, या एक धानी होती है उसके अंदर बीजाणु बन सकते हैं, जिसको हम कह देंगे बीजाणु धानी। तो अंदर होता है तो अंतरजात, तो इसमें अंतरजात है, इसमें अंतरजात है, ये कोनिडिया में नहीं होता, कोनिडिया के अंदर ये वाला होता है, कंप्लीट है। दूसरा इनमें क्या होता है, तो बहिर्जात यहाँ पर है, बहिर्जात यहाँ पर, यानी ये भी सही हो सकता है, ये भी सही होता है। आगे देखते हैं, बेसिपेटल, बेसिपेटलस और एक्रोपेटलस का मतलब क्या होता है। देखो बेसिपेटल मतलब बेस की ओर, आधार की ओर, पहला नया यहाँ सबसे पहली बार का ये बना, फिर उसके बाद में नया बना वो ये बना, फिर सबसे नया ये बना, सबसे नया आधार पर है तो वो कहलाता है बेसिपेटल, यानी ये वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, टेरर ऑफ बंगाल भारत क्यों लाया गया। टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं हम जल कुंभी को, जो जल कुंभी होती है उसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम हो जाता है वाटर हाइसिंथ, ठीक है। उसको लाया गया था सुंदर पुष्प के लिए और पत्तियों की सुंदर आकृति के कारण यहाँ पर लाया गया, लेकिन अब इतने ज्यादा बढ़ने लग गया है कि अपना आतंक मचा रहा है, किसी दूसरे पादप को उगना नहीं देता ये पानी के अंदर। तो इसका ऑप्शन हो गया सुंदर पादप, यहाँ पर है ऊपर वाला तो रिपीट हो रहा है,
ए गेमो स्पर्मी, ठीक है। ए गेमो, देखो ए का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का मतलब हो गया अब्सेंट, अनुपस्थित। फिर दूसरा है गेमो, ठीक है, ये नाम है गेमो। मैंने कहा था गेमो, गेमी, ये सबका मतलब होता है जुड़ना, फ्यूजन होना, जुड़ना। और फिर है स्पर्मी, ये नाम है स्पर्म से नाम बना स्पर्मी, इसका मतलब होता है बीज, स्पर्म का मतलब होता है सीड, बीज। तो क्या होता है, बिना जुड़ने के यानी बिना निषेचन के क्या हो जाता है, इसमें बीज बन जाएगा। तो देखिए इसमें बिना अर्धसूत्रण यानी बिना अर्धसूत्रण के क्या हो जाएगा, युग्मक नहीं बनेंगे, तो युग्मक संलयन और भी नहीं होगा, तो ये नहीं, न युग्मक संलयन होगा न अर्धसूत्रण होगा, फिर भी बीज, जीवित बीजों का निर्माण हो जाता है, यानी ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, अर्धसूत्रण हुआ है युग्मक संलयन की सहायता से। तो देखिए अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन होता है तो उसको तो हम बोल देते हैं निषेचन, यानी युग्मक संलयन होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, यहाँ पर लिखा ना जुड़ना, और यहाँ लिखा दिया अब्सेंट, जुड़ना अब्सेंट है, इसका मतलब ये नहीं है, और बाकी दोनों भी इसके अंदर नहीं है, तो सही ऑप्शन इसका हो गया हमारा 1 नंबर। ओके अगला क्वेश्चन, बाह्य निषेचन के संदर्भ में एक कथन चुनिए, लिंगों के बीच अत्यधिक सिंक्रोनी होती है, एकदम सही कथन है ये। क्वेश्चन बन गया सर व्हाट इज सिंक्रोनी, तो देखिए इंग्लिश का वर्ड है, तभी मैं आपको कहता हूँ कि आप इंग्लिश वाले वर्ड पे भी ध्यान दे दें। सिंक्रोनी, सिन का मतलब होता है समान, और क्रोनी का मतलब होता है घटनाएं, यानी समान टाइम पे घटनाएं होती है, यानी नर जननांग और मादा जननांग है ये समान टाइम समय पर क्या होते हैं, विकसित हो जाएंगे, और उनमें जो मादा जननांग और नर जननांग में नर युग्मक और मादा युग्मक के समान समय पर ही उत्पन्न होने लग जाते हैं, तो वो होगा, यानी इसका मतलब ये सही है। अगला देखते हैं, अधिक संख्या में संतति का उत्पादन होता है, ये भी सही है। अब देखो ऐसा क्यों, यहाँ पर बताया गया है बाह्य निषेचन, पहले देखो बाह्य निषेचन होता क्या है, वैसे भी आपको पढ़ा चुका हूँ ये, कि जैसे हमारे पास कोई मछली है, ये मादा मछली है हमारे पास, ठीक है, ये मादा मछली है, अच्छा बना देता हूँ इसको थोड़ा सा सुंदर सा, ये मादा मछली है, इसने क्या कर दिए, यहाँ पर अंडे दे दिए, ठीक है, नर युग्मक छोड़ दिए, उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, सॉरी मादा युग्मक छोड़ दिया, नर युग्मक नहीं, हमारा जो नर मछली है वो यहाँ पर आएगी अब, ठीक है, ये नर मछली है, ये यहाँ पर आएगी और ये इनके ऊपर शुक्राणु छोड़ देगी यहाँ पर। अब निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर पानी के अंदर होती है, निषेचन कहाँ, और अब पानी के अंदर हो रहा है, तो ये कहलाता है बाह्य निषेचन। अब आंतरिक निषेचन में क्या होता है, जैसे कोई मादा है हमारे पास, ये मादा है, ठीक है, ओके, ये मादा है हमारे पास, तो इसके जो गर्भाशय है उसमें संतति का परिवर्धन होता है, विकसित होती है उनकी संतति का। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इनके मरने की दर बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा मरते हैं, पानी में कौन प्रोटेक्ट करेगा इसको, तो प्रोटेक्ट ये माता है इसकी, ठीक है, ये करेगी, अगर इस माता की कुछ प्रॉब्लम होगी तो इसके गर्भ में कुछ प्रॉब्लम होगी, वरना तो इसको कोई शिकार नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर संतति बहुत ज्यादा पैदा होनी चाहिए, ताकि मरे भी तो कुछ बाकी रहेगी, तो अत्यधिक संख्या में संतान उत्पन्न करेंगे ये। अगला है, माध्यम में अधिक संख्या में युग्मकों का निष्कासन होता है, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा युग्मक होंगे ना, अगर कुछ नष्ट भी हो गए तो कुछ तो जीवित रहेंगे ना, संतति कुछ जीवित रहेगी, इसमें बहुत ज्यादा युग्मक की आवश्यकता होती है। संतति अत्यधिक सुरक्षित होती है, ये कथन गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि सुरक्षित तो कहाँ है, सुरक्षित तो यहाँ है, गर्भाशय के अंदर है तो सुरक्षित है, आंतरिक निषेचन में तो सुरक्षित है, बाह्य निषेचन में तो उसके नष्ट होने की संभावना ज्यादा है। अगला देखते हैं, हेप्लोन्टिक जीवन चक्र वाले जीवों में क्या होता है, तो सबसे पहले तो हेप्लोन्टिक समझो, हेप्लोन्टिक उन जीवों को कहते हैं जिनका शरीर होता है वो अगुणित यानी एन अवस्था में होता है, तो ये दो कोशिकाएं हो गई हमारे पास एन, फिर इस पादप ने क्या किया, इस वाले ने एक कोशिका बना दी, ये भी एन अवस्था में है, इसने भी एक कोशिका बना दी, ये भी एन अवस्था में, ये दोनों कोशिकाएं फिर आपस में जुड़ जाती है, ठीक है, और ये 2N कोशिका बना लेती है, और इसको हम कहते हैं युग्मनज, युग्मनज कह देते हैं। फिर इस युग्मनज से क्या होता है, इस युग्मनज से फिर आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन होगा और 4 संतियां उत्पन्न हो जाएगी, एन 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 और एन, फिर ये 4 संतियां अलग अलग विकसित हो जाएगी इस तरह। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन कब हुआ, युग्मनज बनने के बाद में हुआ है, और बाकी सभी में कब होता है, जो द्विगुणित वाले होते हैं ना, जैसे हम है, हमारा शरीर ऑलरेडी द्विगुणित अवस्था में होता है, 2N अवस्था में होता है, तो हमारे अंदर तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मक के निर्माण के समय, और इनमें कहाँ होता है, युग्मनज के अंदर होता है। तो अब देखो आंसर देखते हैं, युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, सही है, देखो यहाँ पर युग्मनज है उसमें सूत्री विभाजन होगा फिर 4 कोशिका बनी। मियोसाइट, मियोसाइट कहते हैं हम जो जनन कोशिकाएं होती है उनको, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो वो तो हमारे अंदर होता है, हमारा शरीर 2N होना चाहिए, हमारे अंदर देखो यहाँ पर हो रहा है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें पहला हमारा सॉरी ए है, फर्स्ट है, ये सही हो गया, ये सही ऑप्शन हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूलांकुर कलिकाएं यानी मूलांकुर भाग से कलिकाएं निकलना किसमें होता होता है, तो ये आपको वैसे याद रखना है, इसमें डलबर्जिया, इसका पूरा नाम होता है डलबर्जिया शिशु,
ठीक है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं सिस्टम का जो पेड़ होता है वो, या हम इसको टाली भी कहा जाता है, हमारे यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में टाली कहते हैं इसको, सिस्टम या टाली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव लिंगों के बीच अत्यधिक सिंक्रोनी, सिंक्रोनी का मतलब समान समय पर विभिन्न घटनाएं होना, जैसे फॉर एग्जाम्पल नर युग्मक का निर्माण होना, मादा युग्मक का निर्माण होना, नर जननांग और मादा जननांग बनना, यह सब समान समय पर होता है, और निषेचन की संभावना बढ़ाने के लिए चारों ओर अधिक संख्या में युग्मक उत्पन्न करना। इसका मतलब इनमें क्या होगा, इनमें बाह्य निषेचन होगा। तो इनमें उत्तर हमारे पास हो जाएगा शैवाल, ऐसा शैवालों में ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, जीवों में लैंगिक प्रजनन के लिए कौन सा अनिवार्य नहीं है, युग्मक जनन जरूरी है, युग्मक जनन होना जरूरी है क्योंकि युग्मक नर युग्मक और मादा युग्मक बनेगा तभी तो लैंगिक जनन होगा, फिर नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ना यानी युग्मक संलयन होना जरूरी है। नेक्स्ट डाइसिज्म, डाइसिज्म का मतलब होता है उसमें उभय लिंगता पाए जाते हैं या द्विलिंगी होना जरूरी है, ऐसा नहीं है एक लिंगी हो गए तो भी उसके अंदर निषेचन हो सकता है, ये गलत है। ठीक है, पीढ़ी एकांतरण, हाँ ये उसमें होता है पीढ़ी एकांतरण, यानी इस तरह होता है, आपने आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो बीजाणु उद्भिद होता है उससे बीजाणु बनता है, फिर उनसे बनता है युग्मक उद्भिद, युग्मक से बनेगा युग्मक और युग्मक से बन जाएगा बीजाणु उद्भिद, तो ये पीढ़ी एकांतरण ऐसे चलता है। अगर आपको नहीं पता पीढ़ी एकांतरण क्या होता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, अगर 2 या 3 कमेंट आ गए इसके तो पक्का मैं इसका वीडियो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन है स्तनियों, स्तनी है जैसे भेड़ है, गाय है, चूहा है, इनमें प्रजनन दर्शाया जाता है, प्रजनन कब होता है इनमें, तो प्रजनन दर्शाने का तरीका होता है इसमें एस्ट्रस प्रावस्था के दौरान। अब ये क्या है, तो देखिए एक तो होता है मध चक्कर, एक होता है रज चक्कर, रज प्रावस्था ये रही, ये होता है बंदर के अंदर और मानव में जिनको हम कहते हैं प्राइमेट जीवों में, और नॉन प्राइमेट जीवों में होता है मध चक्कर या आव में आना। अब वो आव में आते हैं ना, इसका मतलब वो जनन के लिए आवश्यकता होती है, जैसे गाय भैंस बकरियों में होता है इसमें आव में आने लग जाती है वो, उनको जनन की आवश्यकता होती है, वो कहलाता है मध चक्कर या एस्ट्रस प्रावस्था हम उसको कहते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है पुष्पीय पादप की पर्ण कलिका, देखो पर्ण कोशिका है, सॉरी पर्ण कोशिका में जो होती है ये 2N अवस्था में होती है, में 22 गुण सूत्र है, तो गुण सूत्रों की संख्या होनी चाहिए, तो देखें 22 गुण सूत्र है इसका मतलब 2N अवस्था इज इक्वल टू कितना हो गया 22 हो गया, तो युग्मक जो होते हैं ना, युग्मक क्या होते हैं एन अवस्था में होते हैं, तो एन आधा हो जाएगा यानी 11 गुण सूत्र, यानी ये सही है हमारा उत्तर। अगला भी चेक कर लेते हैं, युग्मक तो युग्मकों में 22 हो ही नहीं सकता, युग्मक एन अवस्था में होना चाहिए और एन बराबर 22 इसके अंदर कैसे होगा, 2N बराबर 22 होना चाहिए यानी 11 होना चाहिए। भ्रूण में 44, भ्रूण का 44 तो देखो भ्रूण 2N अवस्था में होता है तो 2N बराबर होना चाहिए 22, 44 का मतलब तो क्या हो जाएगा 4N अवस्था हो गई, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है इनके अंदर। नेक्स्ट है स्तंभ, स्तंभ की कोशिका भी 2N अवस्था में होती है तो 2N इज इक्वल टू 22 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया 11 आ गया, यानी ये भी गलत है, तो सही कौन सा है हमारे पास, ये वाला सही है।